मित्रों को जय जय सियाराम। माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों आज बताएंगे कि तुलसी के पेड़ के पास कौन कौन चीज नहीं रखना चाहिए। अगर ये चीज अगर तुलसी के नज़दीक में आप रखते हैं तो आपको कंगाल बनने में समय नहीं लगेगा। तो मित्रों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तुलसी के पौधों को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग तुलसी के पौधे पर रोजाना जल चढ़ाते हैं और नियमित रूप से उनकी देखभाल करते रहते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उन पर कृपा बरसाती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि तुलसी के पौधों के साथ कुछ चीज़ें कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो आइए बताते हैं कि तुलसी के पौधे के पास क्या चीज कभी नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तुलसी के पेड़ के नज़दीक भूलकर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पौधों के पास भूलकर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि झाड़ू का उपयोग घर की गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है। ऐसे में उसे तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कंगाली और दरिद्रता आ जाती है और मनुष्य अनेक समस्याओं से घिर जाता है। तुलसी के पौधों के पास भूलकर भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और परिवार में झगड़ा झंझट होने लगता है, कलह होने लगती है। अगर आप चाहते हैं तो गुलाब का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन वह पौधा भी तुलसी के पेड़ के नज़दीक नहीं होना चाहिए, कुछ दूरी पर होना चाहिए। तुलसी एक पवित्र पौधा है, इसलिए हमेशा उसकी पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। हमें भूलकर भी तुलसी के वृक्ष के नज़दीक जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। जब भी कहीं आप बाहर से आएं तो तुलसी के पौधे के पास कभी भी जूते चप्पल को नहीं उतारे। ऐसा करने से तुलसी का अनादर होता है जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। वास्तु में कहा गया है कि तुलसी के पौधे के पास हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उसके पास कभी भी गंदगी नहीं रखना चाहिए। रोजाना घर से निकलने वाले कूड़े को तुलसी से दूर रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखकर तुलसी की सेवा करते हैं तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी हर हाल में आपके घर में अपना बसेरा ही बना लेगी। तो जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी।